इतने इंटेंस वोट आउट के बाद फिर हम लोग पहुंचे वापस हमारे रूम में। वापस वही डिस्कशन चल रहा था कि कौन किसके लिए परफॉर्म करेगा। मैं अपने लिए बोल रही हूँ कि आई नीड पीपल टू परफॉर्म विद मी और आई विल आस्क यू अप फ्रंट। माइकी, वुड यू लाइक टू परफॉर्म विद मी? या श्योर। अमन, वुड यू लाइक टू परफॉर्म विद मी? आई डोंट माइंड परफॉर्मिंग विद ईदर। मन्यु, आकाश, पूनम, आई वांट टू थिंक। ओके, शुड आई आस्क पूर्वा? आई डोंट थिंक सो। जयंत, जयंत इंजॉय है। इंजॉय है जयंत। तुझे पता है कि वारंस और निखिल सर का कैसा है रिलेशन? आई थिंक कि इट वुड बी ग्रेट अगर तुम निखिल सर की टीम को भी सपोर्ट करो। पर वही चीज़ है ना कि संजय से भी मेरा बॉन्ड ज़्यादा है, ठीक है? मैं चाहता कि इनके साथ परफॉर्म करूँ। ठीक है, तो संजय के लिए करना चाह रहा था, ठीक है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि आरुषि मैडम भीख मांग रही थी, प्लीज़ मेरे साथ परफॉर्म करो, प्लीज़ मेरे साथ परफॉर्म करो। एंड आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन ever at that point of time. आपको आप लोगों का टास्क। It's going to be a lot of fun, guys. I'm actually really excited. कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे हो रही है जो पहले कभी रोडीज पे नहीं हुई। सबसे पहले आरुषि या संजय, जिसकी भी बारी होगी, वो एक केज में होंगे। उनके हाथ बंधे होंगे और काफी सारी गांठ बंधी होगी। आपको उस केज से रेस्क्यू करने के लिए एक किसी रोड़ी की जरूरत है। वो रोड़ी एक ऑब्स्टिकल कोर्स करते हुए जाएगा, उस टावर पे चढ़ेगा, नीचे उतरेगा और केज को खोलेगा। लेकिन केज को खोलने के लिए उसको चाहिए होंगे 3 डिजिट्स, जो उसको 3 डिफरेंट स्टेजेस में मिलेंगे जब वो ऑब्स्टिकल कोर्स कर रहा होगा। जब तक वो आके केज को खोलेगा, तब तक आपको अपने आप को छुड़ाना है, केज के बाहर आना है। एक रैंप है जो ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज है, उसके ऊपर चढ़ना है और ऊपर जाके एक फ्लैग होगा, उसको लहराना है। जिसने आप दोनों में से ये जल्दी कर दिया, दे विल बी द लोन सर्वाइवर। ओके? यस सर। नाउ, जब वो इंसान जो आपकी मदद कर रहा है ऑब्स्टिकल के थ्रू भाग रहा होगा, डिजिट्स पा रहा होगा और ऊपर जा रहा होगा और आपके पास आ रहा होगा, दूसरी टीम के 2 लोग उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह पे बैठे होंगे और उन दोनों के हाथ में पेंटबॉल गन्स होंगे। पेंटबॉल गन से वो आपके जो रोड़ी है जो ऑब्स्टिकल कोर्स जा रहे हैं उनको धीरे करने के लिए उनको मार सकते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आपका टाइम ताकि ज्यादा हो जाए, राइट? मुझे ऐसी फीलिंग आई कि यार ये टास्क बना ही मेरे लिए, सिर्फ ये टास्क ना किया ना आकाश तूने, रोडीज में आके अगर तूने शूटिंग का टास्क मतलब इग्नोर कर दिया या इंजर्ड की वजह से तूने नहीं किया तो मतलब तू फुद्दू है फिर। लेकिन आपका टाइम कम करने के लिए जो बाकी के 2 लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं वो ये कर सकते हैं। पॉकेट में हाथ। What is that? मुझे लगा कि वो अपने जेब से कुछ निकाल रहे हैं और मैं रुकी थी, ऐसे वैसे देख रही थी कि वो कुछ ना कुछ निकालेंगे। ड्रोन। उड़ते उड़ते हमारे पास आया एक ड्रोन। वी वर लाइक डैम्न, टाइम फ्लाई ड्रोन बॉयज। एंड आई वॉज लाइक आई एम ग्लैड आई एम परफॉर्मिंग टुडे। I was like, it's a drone task. Wow. 2 लोगों के पास 2 ड्रोन्स होंगे और यहाँ पर अलग अलग लूप्स लगे होंगे, 4 लूप्स जिसके अंदर कुछ नहीं लगा, उसके थ्रू अगर आप ड्रोन लेके जाओगे पर लूप 10 सेकेंड आपके टाइम से कम होंगे। Oh. Oh.
और तीन लूप्स ऐसे हैं जिसमें एक कपड़ा लगा हुआ है, बट आपके पास दोनों ड्रोन में एक इग्निशन डिवाइस होगा। अगर उस कपड़े को आपने उस इग्निशन डिवाइस से टच किया, उस पे आग लग जाएगी। वो जैसे ही जलेगा आपके टाइम से 30 सेकंड कम हो जाएंगे। इस टास्क में आपकी मदद लीडर्स भी कर सकते हैं। आज के टास्क के बाद आप में से एक होगा लोन सर्वाइवर। ये आपका अगला टास्क है, इट्स कॉल्ड ड्रोन सर्वाइवर। कम हियर माइकल, कम हियर फास्ट। संजय इज गोइंग सेकंड। It's okay. मैं केज पे लॉक्ड अप थी और मुझे यही फील हो रहा था कि मैं ट्रैप्ड हूँ, मेरे हाथ में चीजें नहीं है, एंड इट वॉज ऑल ऑन माई टीम टू सेव मी। मेरे पूरे दिल से तमन्ना थी भाई साहब अमन लॉक खोल ही मत, ये बंदी बस केज में रहे वैसे ही ये इंसान बाहर आए। माइकल सही से बोला रहा है, ठीक है, सही से उड़ाएगा। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि गन आई थी मेरे हाथ में पेंट बॉल वाली, और मैं बस ये देख रहा था कि भाई तुम अपने ड्रोन उड़ाओ और मैं उनके पर खच्चे उड़ाऊं बस। अमन रेडी, निक रेडी, माइक रेडी। मैं और निखिल सर प्लेटफॉर्म पे खड़े थे एंड मेरे मन में यही था कि इफ वी लूज आरुषि इज गोइंग होम, सो आई वॉन्टेड टू गिव इट माई एब्सोल्यूट बेस्ट। 3, 2, 1, go! Come on. Come on, Aman. Nice and easy, Aman. Nice and easy. मेरे survival की door Aman के हाथ में थी. Because he is a fitness guy और वो काफी agile भी है. And I was just hoping that he performs well. Go for Aman, guys. Go for Aman. Come on. That went through. I saw one drone passing through a normal ring and I felt so happy ki chalo minus 10 to hai. I've also played a lot of video games. Kahin na kahin we felt like this could be one of the biggest game changers in the town. Good job, Aman. Good job. मैं गन लेके खड़ा हुआ पॉइंट पे जैसे ही मेरे पास ड्रोन आया और मैंने फायर करा, ठप सीधा ड्रम, पड़ी 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 है, पड़ी है। होता ना कि बंदे को जब हिट होता तो उसको चक्कर आ जाता, उसको होश नहीं होती कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं आ रहा, तो उनके ड्रोन की हालत भी कुछ ऐसी हो गई थी। मैं लगभग एंड तक पहुंच ही गया था अमन अमन कि वहां जाके मेरे कदम डगमगा जाते हैं और मैं गिर जाता हूं। हमें पता तो है ही, हड़प्पा टास्क से देखते आ रहे हैं कि अमन कैसे बैलेंसिंग के सरताज हैं। अगेन अगेन स्टार्ट अगेन, ही हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे दिमाग में स्ट्रेस डबल हो रहा था। आराम से कर, पर गिरना नहीं है, आराम से कर। I was like, bro, tera sar mein bhi kuch nahi hai. There's nothing on your head. How can you fall down in a situation like this? Aram se, no Aram se. Go for Aman. Aram se kar, Aman. Shoot, Aman also. Aram se kar, Aman. So I was just shouting continuously ki Aman, calm down and the task will be easily done. Hey, drone ka. अमन को लॉक खोलना ही नहीं आ रहा था। आई वॉज लाइक कि एक एक सेकेंड मैटर करता है, अमन प्लीज ओपन इट फास्ट। उसी तरह जैसे अटा था और खींच इसको। गो 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 गो। यू डोंट हैव टू गो। अरे तू क्यों जा रहा है?
अमन आई एम स्टूपिड, आरुषि को चढ़ना था और आप क्लाइम करने लग गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है अमन यू आर प्लेइंग फॉर मी टुडे। तू क्यों जा रहा अमन? अमन तू नहीं जा, तू जाना निकल। Because of your silly mistakes, Arushi might go home. Go Arushi, go! Keep forward, Arushi! Keep forward! Yeah, you got it. Oh shit! He's leg! Easy, easy. Wait, bad! Arushi, एक fire target और एक empty target, जिससे 40 सेकेंड आपके टाइम से कटेंगे। आपका पूरा टाइम था 3 मिनट 20 सेकेंड और अब फाइनल टाइम हो गया है 2 मिनट 40 सेकेंड। टीम संजय, 2 फायर टारगेट मतलब 60 सेकेंड्स आपके टाइम में से निकल जाएंगे। उसके बाद आपका फाइनल टाइम है 59 seconds. In the batch of 2020, Arushi Chawla is the biggest competition. जितनी बार उसको निकालने की कोशिश की नहीं निकली, but आज Arushi Chawla को मैंने हराया। Which means, Sanjay, you are the drone survivor. You're gonna stay on Roadies Revolution. Well done, Akash. Well done, Chen. मेरे को ऐसे लग रहा था कि भगवान ने हमारी सुन ली थी। वो कहते हैं ना, अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो वो चीज पूरी हो जाती है। मेरे केस में मैं चाहती थी कि आरुषि बाहर जाए, उसकी वजह से प्रतिभा गई थी। मेरे को ऐसे लग रहा था कि बदला पूरा हुआ भाई साहब। आरुषि, दिस इज द एंड ऑफ योर रोडीज रेवोल्यूशन जर्नी। कम